हेलो स्टूडेंट्स, टुडे आई एम गोइंग टू एक्सप्लेन अ ब्यूटीफुल पोयम माई वॉच ऑफ क्लास फिफ्थ इंग्लिश लिटरेचर। स्टूडेंट्स, इस वीडियो में आज हम इंग्लिश पोयम माई वॉच को हिंदी में एक्सप्लेन करेंगे और इसकी एक्सरसाइज भी कंप्लीट करेंगे। चैप्टर 12 माई वॉच, जिसमें पोएट अपनी वॉच के बारे में हमें कुछ बताना चाहता है। पोएट अपनी वॉच के बारे में क्या बता रहा है? लेट अस रीड दिस पोयम एंड नो वाट द पोएट इज सेइंग अबाउट हिज वॉच। पोएट क्या कहना चाहता है अपनी वॉच के बारे में, अपनी घड़ी के बारे में। लेट अस रीड द पोएम। आई वॉच यू वॉच, आई वॉच यू वॉच माई टिक टॉक वॉच जस्ट टू पास द टाइम। फर्स्ट स्टैंजा, इसमें वॉच का वर्ड यूज किया गया है एक से अधिक, और वॉच का मीनिंग भी डिफरेंट है। फर्स्ट सेंटेंस जिसमें वॉच वर्ड का यूज़ दो बार किया गया है और दोनों वर्ड का मीनिंग डिफरेंट है। फर्स्ट वर्ड वॉच, जिसका मीनिंग है टू ऑब्जर्व या टू सी समथिंग। वॉच का यहाँ यूज किया गया सेंटेंस में एज अ वर्ब। फर्स्ट वर्ड वॉच का यूज सेंटेंस में वर्ब के रूप में किया गया है, जिसका मीनिंग है देखना या ऑब्जर्व करना। और सेकेंड वर्ड वॉच का यूज सेंटेंस में एज अ नाउन किया गया है, इसका मीनिंग है घड़ी, रिस्ट वॉच। पोएट अपनी वॉच को टिकटॉक वॉच कह के बुलाता है, क्योंकि वॉच टिकटॉक की साउंड करती है। तो पोएट अपनी वॉच को देखते हुए, उसको ऑब्जर्व करते हुए कहता है, मेरी टिकटॉक वॉच, मैं तुम्हें देखता हूँ, तुम्हें ऑब्जर्व करता हूँ। तुम टाइम जैसे जैसे पास होता है, तुम टाइम के साथ साथ काम करती हो, टाइम के साथ साथ हमें टाइम बताती हूँ, समय बताती हूँ। एक वॉच समय के साथ साथ लगातार चलती रहती है और हमें टाइम बताती है। आई हियर यू वॉच माई क्लिक क्लॉक वॉच हाउ यू टिक इन टाइम। आई वंडर वॉच माई टिक टॉक वॉच इफ इट इज अ बोर। पोएट अपनी वॉच को सुनता है और कहता है, मेरी क्लिक क्लॉक वॉच, मैं तुम्हें सुनता हूँ, मैं तुम्हारी आवाज़ को सुनता हूँ, तुम कैसे सही समय बताते हो। पोएट अपनी वॉच को देखकर हैरान होता है। वंडर मीन्स सरप्राइज होना। पोएट अपनी वॉच को देखता है और सरप्राइज होता है, हैरान होता है कि, और कहता है, मेरी टिकटॉक वॉच, यदि तुम बोर हो जाती। इट मीन्स यह पोएम का सिम्बॉलिक मीनिंग है, अगर एक वॉच बोर हो जाती है तो क्या वह हमें सही समय नहीं बताएगी। वॉच घड़ी लगातार काम करती है, लगातार चलती है और बोर नहीं होती, और समय के साथ साथ जैसे जैसे टाइम बीतता है उसके साथ साथ हमें टाइम भी बताती है, और कैसे एक घड़ी बिना बोर हुए हमें सही समय बताती है। टू जस्ट कीप टाइम दैट क्लिक टिक टाइम फॉर एवर एवर मोर। पोएट कहता है, घड़ी केवल हमें टाइम ही नहीं बताती, बल्कि वह लगातार हमेशा हमें सही समय बताती है। हमें हमेशा घड़ी में जब हम टाइम देखते हैं तो हमें सही समय बताती है, जिससे हम अपना काम टाइम पर कर पाते हैं। आई एम थिंकिंग वॉच माई क्लिक क्लॉक वॉच आई गैस यू मस्ट फील ग्ली वैन यू रेस्ट वॉच आ स्टॉप्ड क्लॉक वॉच फॉर अ डेड बैटरी। पोएट अपने वॉच के बारे में सोच रहा है और कहता है, मेरी क्लिक क्लॉक वॉच, मैं सोच रहा हूँ, आई एम थिंकिंग, और मैं गैस करता हूँ, मैं अनुमान लगाता हूँ कि तुम्हें ज़रूर खुशी मिलती होगी। ग्ली मीन्स हैप्पीनेस या वेरी हैप्पी। पोएट इमेजिन करता है कि जब वॉच रुक जाती है, वॉच से कहता है, जब तुम रुक जाती हो तुम्हें रेस्ट मिलता है, जब तुम्हारी बैटरी डेड हो जाती है, जब एक वॉच की बैटरी डेड हो जाती है, वह रुक जाती है, तब एक वॉच को रेस्ट मिलता है। पोएट यहाँ इमेजिन करता है, क्या उस समय एक वॉच को खुशी मिलती होगी। स्टूडेंट्स, पोएम का सिम्बॉलिक मीनिंग है कि वॉच हमें जो लगातार अपनी सर्विस देती है, हमें टाइम बताती है और कभी बोर नहीं होती, कभी रुकती नहीं है,
और समय के साथ साथ जैसे जैसे टाइम बीतता है, टाइम पास होता है, और घड़ी भी लगातार चलती रहती है। और क्या घड़ी की बैटरी डेड होने पर उसे खुशी मिलती होगी? ये पोएट यहाँ एक्सप्लेन कर रहा है अपनी इमेजिनेशन में। नेक्स्ट करते हैं एक्सरसाइज कॉम्प्रिहेंशन स्किल, जिसमें फर्स्ट क्वेश्चन आपको करना है, इन द फर्स्ट स्टैंजा ऑफ द पोयम द वर्ड वॉच हैज़ डिफरेंट मीनिंग। वट आर द टू मीनिंग्स ऑफ द वर्ड वॉच? फर्स्ट स्टैंजा में वॉच वर्ड का डिफरेंट मीनिंग है, राइट? यहाँ आपको उन दोनों डिफरेंट मीनिंग को बताना है। द टू मीनिंग्स ऑफ द वर्ड वॉच आर, फर्स्ट वॉच जिसका यूज सेंटेंस में एज अ वर्ब किया गया है, मीन्स टू ऑब्जर्व, ऑब्जर्व करना है इसका मीनिंग। सेकेंड वर्ड वॉच का यूज सेंटेंस में एज अ नाउन किया गया है, इसका मीनिंग है अ रिस्ट वॉच, अ रिस्ट वॉच एक कलाई में पहनने वाली घड़ी। सेकेंड क्वेश्चन लाइन 15 रीड करनी है आपको, पढ़ना है आई गैस यू मस्ट फील ग्ली। इस लाइन को रीड करने के बाद आपको ग्ली का मीनिंग यहाँ डिफाइन करना है, डिफाइन द वर्ड ग्ली, ग्ली का मीनिंग बताना है। और आप इसके लिए डिक्शनरी भी यूज कर सकते हैं इफ़ यू नीड हेल्प। इन द गिवन लाइन्स ग्ली मीन्स, ग्ली का मीनिंग है अ फीलिंग ऑफ हैप्पीनेस, खुश होना, और हैप्पी एंड डिलाइटेड या वेरी हैप्पी। नाउ नेक्स्ट नंबर 3, व्हाट इज द पोएट थिंकिंग इन द लास्ट टू स्टैंजा ऑफ द पोयम? पोएम के लास्ट टू स्टैंजा में पोएट क्या सोच रहा है, इसे बताने के लिए आपको करेक्ट आंसर पर टिक करना है, करेक्ट ऑप्शन पर टिक कर देना है। ए द वॉच प्रोबेबली एंजॉयज टेकिंग अ ब्रेक व्हेन द बैटरी इज डेड। पोएट लास्ट टू स्टैंजा में सोच रहा है कि जब वॉच की बैटरी डेड हो जाती है, जब एक घड़ी की बैटरी डेड हो जाती है, ख़त्म हो जाती है, तो हो सकता है उस समय वॉच खुश होती हो, उसे ब्रेक मिलता हो, रेस्ट मिलता हो। तो आपका आंसर ए करेक्ट है, इसे टिक कर दीजिए। नेक्स्ट नंबर 4, डू यू थिंक द पोएट इज राइटिंग अबाउट अ डिजिटल वॉच, अ डिजिटल वॉच और अ वॉच विद हैंड्स? पोएम में पोएट किस वॉच के बारे में लिख रहा है? क्या ये डिजिटल वॉच है या एक वॉच जो कि हाथ में पहनी जाती है, हाथ में पहनने वाली घड़ी है? आंसर देखते हैं। द पोएट यूजेस द वर्ड्स लाइक टिक टॉक टू डिस्क्राइब द वॉच। इट शोज दैट द पोएट इज टॉकिंग अबाउट अ वॉच विद हैंड्स बिकॉज ही कैन हियर द टिक टॉक साउंड ऑफ हिज वॉच, वेयर एज द डिजिटल वॉच हैव नॉट एनी साउंड लाइक टिक टॉक। पोएट ने पोएम में टिक टॉक जैसे वर्ड का यूज किया है वॉच को डिस्क्राइब करने के लिए। ये शो करता है कि पोएट एक हाथ में पहनने वाली घड़ी के बारे में बता रहा है, बात करता है, क्योंकि पोएट अपनी घड़ी की टिक टॉक आवाज़ को क्लियर सुनता है, जबकि एक डिजिटल वॉच में टिक टॉक जैसी साउंड नहीं होती है। नंबर 5 क्वेश्चन, व्हाट डज द पोएट वांट टू कन्वे थ्रू दिस पोएम? पोएट इस पोएम के थ्रू क्या कहना चाहता है, क्या कन्वे करना चाहता है? द पोएट वांट्स टू कन्वे थ्रू दिस पोएम दैट द सर्विस ऑफ वॉच दैट इट गिव अस द वॉच कॉन्स्टेंटली सोज टाइम एंड नेवर स्टॉप्स टू रेस्ट। पोएट पोएम के थ्रू हमें बताना चाहता है एक घड़ी की सर्विस, एक घड़ी जो काम करती है, हमें सर्विस देती है और कभी रुकती नहीं है, कभी लगातार काम करती रहती है। नो लैंग्वेज स्किल, सम वर्ड्स हैव मोर देन वन मीनिंग। कुछ वर्ड्स ऐसे होते हैं जिनका एक से अधिक मीनिंग होता है, और उन वर्ड्स को हम केवल सेंटेंसेस के थ्रू ही डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं, उनका मीनिंग हम अलग अलग बता सकते हैं। एग्जाम्पल लेते हैं, फर्स्ट मैच एज अ नाउन, एन फॉर नाउन, और मैच वी मीन्स बिफोर वर्ब। फर्स्ट सेंटेंस में मैच वर्ड का यूज एज अ नाउन किया गया है, नाउन के रूप में किया गया है,
वी वॉच्ड अ क्रिकेट मैच यस्टरडे, हमने कल एक क्रिकेट मैच देखा। मैच यहाँ पर नाउन है। और सेकंड सेंटेंस, कैन यू मैच दीज कॉलम्स, क्या इन कॉलम्स को आप मैच कर सकते हो। वर्ब मैच करना मीन्स काम करना। नाउ आपको यहाँ कुछ वर्ड्स गिवन है, इनके आपको सेंटेंसेस बनाते हुए इनके मीनिंग को डिफ्रेंशिएट करना है। बेल, बेल एज अ नाउन यूज़ करना है। सेकंड, बेल आपको एज अ वर्ब यूज़ करना है। बेल का यूज़ हम करते हैं एज अ नाउन। सी रिंग्स द बेल, उसने बेल बजाई, घंटी बजाई। ही बेल्ड मी ऑन माई फोन, उसने मेरे फोन पर बेल की। ये हो गया आपका वर्ब। नाउ नंबर सेकंड, रिंग्स, सॉरी रिंग आपको नाउन और वर्ब के रूप में यूज करना है। फर्स्ट सेंटेंस एज अ नाउन, सी लाइक्स अ बिग डायमंड रिंग। यहाँ रिंग का यूज हमने नाउन के रूप में किया है। सेकंड, रिंग द पियोन रिंग्स द बेल, द पियोन रिंग्स द सेकंड बेल, पियोन ने सेकंड बेल बजाई। मीन्स यहाँ काम किया, वर्ब किसे कहते हैं, क्रिया को, काम करने को। तो सेकंड सेंटेंस जिसमें रिंग्स का यूज किया गया है एज अ वर्ब। नाउ मेल एज अ नाउन, आई रिसीव्ड अ मेल यस्टरडे, मुझे सॉरी मैंने एक मेल कल रिसीव की, मुझे एक मेल कल रिसीव हुई। तो यहाँ मेल वर्ड यूज है नाउन के रूप में, एक थिंग है मेल। और नेक्स्ट सेंटेंस जिसमें मेल का हमने यूज किया एज अ वर्ब, सी मेल्ड अ मैसेज टू मी, उसने मुझे एक मैसेज मेल किया। मेल्ड मीन्स वर्ब, मेल किया, काम किया, क्रिया, एक्शन हो गया। रेन एज अ नाउन, चिल्ड्रन लाइक टू प्ले इन द रेन, रेन में बच्चे खेलना पसंद करते हैं। ये हो गया आपका नाउन। और रेन एज अ वर्ब हम यूज करते हैं, इट इज रेनिंग सिंस मॉर्निंग। रेनिंग मीन्स बारिश हो रही है सुबह से। रेनिंग हो गया हमारा वर्ब, क्रिया। स्टूडेंट्स नाउ योर पोएम माई वॉच कंप्लीटेड विद एक्सरसाइज। थैंक यू।